हे गाइस, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं नर्सरी गई थी अपने हस्बैंड और बेटे के साथ। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए थे, हमने सिर्फ खरीद के पैसे वगैरह दे के हम आ गए थे। तो अगले दिन ये भैया हमारे घर पे सुबह छोड़ने के लिए आए हैं। ये देखो, रेड़े के ऊपर लेके आए थे कितने सारे प्लांट्स। वो भैया का अपना रेड़ा था जो आपको अभी नजर आया। ये देखो, मैंने सारे प्लांट्स खरीदे हैं नर्सरी से और इनको सेट करूंगी धीरे धीरे। मैंने अमेजोन से इनका प्लांटर मंगवाया है, कुछ तो मेरे पास ऑलरेडी प्लांटर्स पड़े हैं। ओके, ये है दवाई, खाद जो भी होता है, और भी बहुत सारे पैकेट्स भैया ने यूज किए थे। मैंने बोला था दवाई खाद सब कुछ डाल दो, मतलब एकदम सही कर दो प्लांट्स को मेरे। अभी आप देखो छत पे, चलो आपको मैं दिखाती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से प्लांट पड़े थे। ये जो अभी आपने प्लांट्स देखे ना, ये मैं नीचे रखूंगी अपने यहाँ पे, जहाँ पे यू नो हम रहते हैं, छत के ऊपर। मैंने ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन वो पड़े हैं गमले में, तो उसको मैंने नीचे नहीं करना था। नीचे जो मैं रखूंगी वो प्लास्टिक में रखूंगी। लुक एट देम, लाइक लुक एट देम, उनकी हालत देखो प्लांट्स की, इतनी बुरी तरह जंगल बन गया, पूरे एकदम झाड़ बन गया था। क्योंकि घर की रेनोवेशन में ना बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान नहीं गया, कुछ भी नहीं देखा। बट एनीवेज, आप एंड तक वीडियो देखना, कितनी सुंदर तरीके से भैया ने सारा काम करके गए थे, आप देखना जरूर एंड तक, आपको काफी अच्छा लगे। इनकी क्या छटाई कराओगे फिर? सारा मतलब सफाई कर दोगे इनकी? सब एकदम नाले लाइन से भैया, ढंग से एकदम लाइन से अच्छी तरह से रख देना आप, सब छोटे छोटे कर देना। अब भैया ने ये काम करना शुरू कर दिया और इसको 1 घंटा लगा था, लाइक 1.25 घंटा बड़े आराम से लग गया था यार ये सारे काम को करने में। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी जिसको डबल की स्पीड में आप लोगों के साथ शेयर कर रही, ताकि आप लोगों का भी ज्यादा टाइम ना लगे। ये देखो मिट्टी को कुरेद रहे हैं, क्योंकि जब एंड में जब भैया इसमें दवा खाद वगैरह डाले ना, तो ये अंदर तक जाए, रूट्स तक जाए। ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं बेचारे, आधे नींद में है क्योंकि सुबह सुबह उठे थे ना, सुबह सुबह भैया को बोल दिया था आने के लिए। ये मैं नीचे आई थी क्योंकि भैया ने मेरे से सीजर और नाइफ दोनों चीजें मांगी थी, चाकू और मांगा था और नाइफ भी मांगा था। ये देख लो जैसे ये निकाल रहे हैं, हम लोग ऐसे कभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास वैसे टूल्स नहीं होते हैं। बाकी इनको थोड़ा सा ना आइडिया होता है कैसे प्लांट्स को हैंडल करना है, क्योंकि ये इनका काम है। ये देखो फिर साइड से जो भैया निकाल रहे हैं, छोटे छोटे पत्तों को काट रहे थे कैंची के साथ जो खराब हो गए हैं। बाय द वे, इस प्लांट को ना, ये लक्की बैम्बू होता है ना प्लांट, इसको मैंने अंदर रख लिया, बेचारा धूप में पड़ा था इसलिए इसका रंग इतना फेड सा हो गया, लाइट येलो सा। अदरवाइज बड़ा सुंदर ग्रीन सा कलर था। अब मैंने इसको अंदर छाया में कर लिया, शेड में कर लिया है। एंड यस, अब मेरी शक्ल देख लो सुबह सुबह नींद में थी, बट देख सकते हैं आप। एंड ये देखो ऊपर से मैं अपनी छत से इसका नीचे का देख रही थी, देखो अभी भी कितना घर पे मैस है, इसलिए मैं होम टूर आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही। और थोड़े दिन दो मुझे, क्लीन अप कर लूं। अमेजोन से थोड़ा बहुत सामान मंगवाया है, ये मनी प्लांट कट कर दिया था, भैया ने बोला था कि जले जले से पत्ते हैं, खराब खराब से हैं। अब मैं थोड़ा सा लाइन वाइज लगवा रही थी, काफी गमले मेरे खाली भी हो गए थे ये देखो काफी, क्योंकि जून में से सिर्फ झाड़ियां लगी हुई थी ना, तो अभी उनके लिए भी नए प्लांट्स लूंगी मैं 5-6। ये है मेरा कड़ी पत्ता जो मैं अपने मोस्टली ना अपनी इडली वगैरह में डालती रहती हूँ, इडली हो गया, सांभर हो गया, या फिर कभी पोहे बनाते हैं उसमें कड़ी पत्ता डलता है। देख सकते हो कितना टाइम लगा, बट आई वॉज सो हैप्पी, मतलब फाइनली ये चीज हो रही थी। बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी कि चलो क्लीन अप हो जाए, वो आरव की बॉल आई थी अभी, धूप अचानक से इतनी तेज आ गई ना सुबह, इतना अच्छा मौसम था। ये देखो मैं धूप दिखा रही थी, कितनी तेज धूप थी, सिर चकराने लग गया था। ये दवाई के पैकेट पता नहीं, मुझे लगता कितने सारे पैकेट्स मैंने डलवाए थे, बहुत सारे पैकेट्स डलवा दिए थे। और साथ में मैंने दवाई और खाद दोनों चीजें डलवाई थी सारे प्लांट्स में। मुझे था कि अब अच्छी तरह से ये वाला काम मैंने करवाना है, क्योंकि आई लव माई प्लांट्स और इनको अच्छी तरह से रखना था। साइड से ईंटें पड़ी थी उनको मैंने साइड में करवाया, थोड़ा सा सॉर्ट आउट लगना चाहिए ना। अब ये देखो मैं नीचे आ गई थी, अपने सबसे नीचे आ गई थी यहाँ पे, मैं जो गमले खाली थे ना, जो हो गए थे खाली, उनके लिए और 5-6 मैंने प्लांट्स खरीदे थे, क्योंकि गमले खाली नहीं रखने चाहिए ना, क्यों रखने अगर आपके पास गमले हैं तो उसको खाली क्यों रखना है, प्लांट्स और ले लो। देखो गाइज, मुझे ना प्लांट्स के नाम वगैरह कुछ नहीं पता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है इतनी, बस मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट्स लगाने, हो सकता है धीरे धीरे इन फ्यूचर मैं सीख जाऊं। ये देखो भैया आप जो जो नए नए प्लांट्स लेके आए हैं, जो जो गमले खाली हैं वहां पे वो उसको लगा रहे हैं, और छत पे उतनी देर तक ये जो दूसरे भैया ना, उन्होंने सारी छत पे सारा गंद उठा दिया, क्लीन अप कर दिया था।
आज की वीडियो में आपको आरव नजर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि आरव स्कूल गया हुआ था। और अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ नजदीक से। ये देखो अभी भी एक प्लांट लगना है इस गमले में। इसके मिट्टी सारी खाली करवाई थी क्योंकि इसमें पानी खड़ा होता था। अब आप देख सकते हो, मतलब लाइक बिल्कुल मेरे प्लांट्स की ना शक्ल नहीं कहते, जिसको शक्ल बाहर आ गई वो होगी। एंड यप, अब ये मेरे हस्बैंड थे, जा रहे थे नहाने के लिए। और ये नीचे, अब हम आगे नीचे वाले फ्लोर पे, छत का तो देखो काम हो गया, किसी दिन डिटेल में आपको दिखाऊंगी। ये मैंने अमेजोन से पॉट्स मंगवाए हैं, ऐसे और भी पॉट्स हैं बहुत सारे, आपने मेरी वीडियोज में देखे होंगे, मिंत्रा हॉल में भी आपने देखा होगा येलो येलो पॉट्स। तो आपको डिटेल में कभी किसी दिन डेफिनेटली शेयर करूंगी। ये नीचे मैंने रखने हैं जो प्लांट्स, उसको भैया सेट कर रहे थे साइड में, बट मैंने इनकी अलग अलग जगह सोची हुई थी। और बस यही थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी। बहुत जल्दी एक और प्लांट्स के ऊपर वीडियो आने वाली है। मेरे पास दूसरे तरह के मेटल वाले हैं प्लांटर्स, उसमें मैं लगा के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो टिल देन गाइस, बाय, लव यू ऑल। वीडियोस को प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना।